डोमिनोज भी फेल हो गया इसमें। हमारा गाँव मर जाली बेगा। तुम काम कर रहे हो? क्या हो गया? क्या गलत प्याज ही कट रहा है। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं घूम के, और यहाँ पे देखो क्या तैयारी चल रही है। प्याज छीला जा रहा है, किस लिए बताइए? आइए। ओहो, आज तो मैगी पार्टी होने वाली है। ये देखो धुएं में, तुमने इसमें आग क्यों नहीं जलाई? और इन्होंने कढ़ाई भी तैयार कर दी है, और कढ़ाई को देखो पीछे से पूरा इस तरह से कर दिया ताकि काला ना हो। नानी आ रखे हैं, वही आड़ू भी लेकर आए हैं, पर ना आड़ू खाने में तो मुझे डर ही लगता है। कुछ कुछ तो पके हैं, कुछ कुछ वैसे हो रखे हैं। ये देखो ये होगा, लेकिन अभी ज़्यादा वैसे नहीं हो रखे, नहीं तो थोड़े और बड़े होने थे, पकने थे। ये देखो मैगी बना रहे हैं। शेफ साहब थोड़ा जल्दी करेंगे, भूख लग रही है, बहुत टाइम हो गया तुम्हारी मैगी बनने में। बिल्कुल मैगी बनाना सिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे तेल डाल दिया है, तेल पता नहीं मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है, पर ये कह रहे हैं हो जाएगा। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे चीरा। ये चीरा डालने के बाद ये मैंने इतना बारीक लंबा लंबा काटा हुआ है प्याज वो डाल दिया, और इसको बनाने में शेफ हमारे साथ हैं। माय नेम इज सचिन। Yes. मिर्च डालने के बाद डाला जा रहा है टमाटर। पहले घर के मसाले डाले हैं, फिर अब लास्ट में डल रहा है यहाँ मैगी मसाला। ये देखो ऐसा लग रहा है सब्जी बन गई है, तो पराठे के साथ खाने के लिए डालने डर पड़ा है, मीट की तरह लग रही है। तो लाजवाब मैगी रेडी हो गई है, एंड थोड़ा टेस्ट भी करा। मैं टेस्ट नहीं करती, तू टेस्ट कर। लग तो बड़ी ही लाजवाब रही है, और इन प्लेट में डालते हैं, सर्व करते हैं, और इसको सीधे ले जाएंगे हम छत में, क्योंकि वहाँ लग गया बिस्तरा, तो वहीं जाके आराम से बैठ के खाएंगे। खा लो आ जाओ ब्लॉग पे, अंदर आ जाओ क्रीम फोड़ कर, ये लो खाओ। कैसी लगी मैगी बताइए? बड़ी टेस्टी बनी है, सच में अच्छी बनी है ना। तो देखो बच्चों के साथ साथ बड़े भी खा रहे हैं, यहाँ मामा भी खा रहे हैं। मामा कैसी लगी मैगी? बहुत अच्छी लगी है, मिश्रे जी फेल हो गए तो। सही बात है, मिश्रा की आई में मैगी में। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी लगी, किसने बनाया ये? वो सचिन ने बनाया। सचिन भैया किसने बनाया? सचिन भैया। हाँ सचिन भैया ने बनाया, अच्छी बनी है। पहले ही बताइए कैसी बनी? डोमिनोज भी फेल हो गया इसमें। डोमिनोज भी फेल हो गया? ओ भाई, आप बताओ राधा कैसी बनी है? मैंने ये तो जो सारे होटल से जिसमें मैगी बनती है हाँ। वो तो फेल हो गए, वो सारे होटल फेल हो गए। पानी भी हो जाता है इसकी, मैगी की पानी भी हो जाता है। हाँ सूप है ये, सूप मैगी का सूप। क्या मैगी का सूप? हाँ जो मैं पीता हूँ सूप ना सूप। आज आप कहाँ गए थे? ये तो पौड़ी घूम के आई है। बंदर खेत। बंदर खेत? हाँ बंदर खेत, हमने वहाँ पे बंदर भी देखे। आपने क्या देखा वहाँ पे? बंदर। कितने बंदर? तीन बंदर। कैसे दिख रहे थे वो आपके जैसे? हाँ अभी देख रहे थे, उसके वो ऐसे ही हिट रहा। नहीं किसके जैसे मुंह लग रहा था? इसके जैसे मुंह लग रहा था बंदर का, इसके जैसे क्या आँख भी देख रहा था है? हाँ। अच्छा ये देखो बच्चों के आइटम, ये सॉफ होती है माउथ फ्रेशनर, इसमें चूरन है, आपका भी है, और ये देखो प्यारी प्यारी सी रिंग। अरे डाल के दिखाओ, चपने पहना हुआ है स्माइली। देखो मेरे पास जॉली बन के ये मिला है, टू जॉली बॉल्स पिंग, वेरी नाइस ये मुझे डाल। चलो रात का खाना, दिन में कढ़ी बनाई थी, और अभी घी की सब्जी है, भात रोटी। आज हम जाने लगे हैं दिल्ली वापस, तो सुबह उठ गए थे, अभी हमें 9:30 बजे करीबन जाना है पल्लेछाल, वहाँ से हमने टैक्सी बुक करी है, और टैक्सी में जाएंगे सीधे डायरेक्ट घर तक। तो यहाँ देखो सब रेडी हो गए हैं,
स्कूल चले हम। मम्मी ने ये जो ड्रेस दी हमारी, मुझे लग रही थी तेरी साइड में पिच जाए। मम्मी का ये सूट का ना ऐसा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ना गढ़वाल में ऐसे ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है, स्कूल यूनिफॉर्म। चलो भाई स्कूल चलो, घंटी बज गई 10 बजे। थाली रख ली आपने खाने के लिए? चलो आगे चलो। तो मम्मी ने बैग भी टांग लिया है कि हाँ एक्टिंग कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल मैम नाइटी पहनी हुए। मैडम जब बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहे, मैडम वन पीस पहरी गई। मैंने कुछ नहीं करी, बस तल के की जल्दी का दी वे जाला उड़न छू। अरे मम्मी की दो चोटी कर देगी यार, रिबन वाली मुर्गा बन के दिखाओ एक चेन कोई। मम्मी टीचर बनी है किसको, स्टूडेंट बनी है? लो बेटा तेरा खाना खा। ये देखो ये कल स्कूल क्यों नहीं आए थे मैम? गुरुजी ये कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? कल स्कूल क्यों नहीं आया? गाय की रोटी। मोदी जी तूने सस्ता अनाज करा था, ये देखो ऐसी रोटी बासी 3 दिन की रोटी, इसे करवा लाता है, देखता है इनकी इनकी हालत देखो। खाने पड़ेगी। पकड़ो। चल बस बस बाय बाय। चलो अब आ गया, और कुछ खाना चाह रहे गढ़वाली में? चलो बोलो जोर से। मर गाओ मर जाला मखा, बोला डगड़ियों का बड़बड़ा का। ये क्लैपिंग। हमार गाओ मर जाली बिच्छी, बोला डगड़ियों का बड़ डुली सी गिच्छी। ये वेरी गुड। तो यहाँ पे गन्ने का पेड़ था ना, तो वो गन्ना काट दिया है काफ़ी सारा, तो थोड़ा थोड़ा सब ले जाएंगे, थोड़ा हमने भी रखा है। और ये देखो, और यहाँ हमारे बुड्ढा जी के यहाँ सर्जरी हुई थी, तो अब यहाँ पे वो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ड्रेसिंग हो रही है। तो ये हमारी नर्स बहन है, ये करेंगी। चलो अब निकलने लगे हैं। चलो दादी चलो। नमस्ते। इटो इटो इटो
नमस्ते नमस्ते, बाय बाय कर दे, पहले बाय कर दे मामू को। ये हमारे देखो बैग लेके जाने वाले भाई, पहले गाड़ी आती थी बट गाड़ी वाला ड्राइवर ही नहीं है आज कोई, फिर देख राधे पैसे पैसे कमाने लगी है। चलो 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 चलो, बाय बाय। मुझे वो देखना है, वो क्या है? अच्छा बाय नैना, बाय। चलो ओके, अच्छा नानी मिलते हैं फिर, ठीक है? चल अंजलि, बाय 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 मानशु, बाय करो। यही आ जाएंगे फ्रेंड, अभी तो मिलना है फरवरी में सबसे, शादी होगी जब इसकी जनवरी फरवरी में जब भी। ओके बाय बाय। ये देखो बुड्ढा जी, जो जगरी बुड्ढा जी नहीं, वो आ रहे हैं। और देखो इतना सारा सारा सामान लेके इस रास्ते से आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे। चलो बढ़िया। आप तो कब गए मार्केट और कब आ भी गए? अच्छा राशन, चलो बढ़िया। सो अब इस बार का लास्ट टाइम यहाँ से निकल रहे हैं, पुल से माता का नाम लेके। और यार राधे को, राधे कह रही मम्मा छोड़ दो मैं अकेले जाऊँगी, मुझे डर नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं भाई तुझे नहीं लग रहा, पर मैं तेरे को अकेले नहीं भेज सकती। मैंने कहा तू यहाँ पे, एक वो थे गाँव के, मैंने कहा आप जरा छोड़ दो ना। तो देखो हम इसकी स्पीड में भी चल ले रहे हैं। दादी मम्मी मामा आ रहे हैं पुल से। राधे मेरे पीछे पड़ गई, मम्मा एक बार और मुझे पानी दिखा दो। तो ये देखो ये नदी है, और इस साइड रास्ता है। इतना चलवा के मुझे यहाँ तक लेकर आई है लड़की। चेस, तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, यहाँ पुल के पार, यहीं पे आएगी गाड़ी। तो जब तक थक गए थे तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक लिया, कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है। ये देखो सारे के सारे, ये हमारी मौसी भी आ रही है, निधि मौसी, हेलो कर दो मौसी। तो ड्रिंक पीते हैं, तो गाड़ी वाले को फ़ोन कर दिया वो आने वाला है, तो फिर चलते हैं आगे दिल्ली की तरफ। हम लोग यहाँ पहुँच गए, और तब तक अभी गाड़ी आने वाली है, तब तक वहाँ से घर से फोन आ गया तुम्हारा एक बैग यहीं छूट गया है। तो एक हिमांशु बेचारा आ नहीं रहा था, वो पहले थक गया था, तो वो कह रहा था मैं नहीं आ रहा, तो उसको ही आना पड़ रहा है दोबारा से वो बैग लेके। दादी वाला बैग वहीं छूट गया, ऐसे होता है ज्यादा बैग में, और सब जाने लगते ना, मम्मी ने सामान निकाला, पता नहीं मम्मी को किसी ने बुला दिया, तो मम्मी एक बैग वहीं छूट गया। तो वो आने वाला होगा वहां से दोबारा। और ये लोग जितने लोग हैं ना, इन्होंने फिर जो छोड़ने आए हैं वो फिर दोबारा धूप में वापस जाएंगे। अगर गाड़ी होती तब तो सही था, बट अभी गाड़ी नहीं है, मतलब गाड़ी तो है पर वहाँ पर ड्राइवर कोई नहीं है, तो इस चक्कर में हमें पैदल आना पड़ा, इनको ही पैदल जाना पड़ेगा। आराध्या ने कल ये ले लिया था, ये दूरबीन सा होता है ना, ये वहाँ उसने अपनी बड़ी नानी से दिलवाया है, ज्वालपा देवी गई थी वहाँ से खरीदा है, तो इससे बिल्कुल सही दिख रहा है। आराध्या दिख रहा है वो वाला गाँव? वो वाला गाँव, वो वाला गाँव भी दिख रहा है। हाँ तो वही है ड्राइवर, उन्हीं की गाड़ी में जाना है हमको दिल्ली। अच्छा बाबा, दिल्ली जाने क्या रहे? हाँ दिल्ली डायरेक्ट, दिल्ली डायरेक्ट हमारे घर। अच्छा, दीदी का सब्सक्राइबर आ रहा है, वो लेके बैग लेके फोटो बनाएंगे। वो देखो मेरे मामा के बेटा ना अब आ गया, और हमारी कैब भी आ गई जिसमें हमने जाना है। ये है यूपी की गाड़ी, चेक करो चेक करो कहाँ पहुँचे, वो आ गया, वो देखो धूप भी हो रही है। ये देखो भाई थक गया बेचारा। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू, नहीं तो तुझे आना पड़ता दिल्ली वापस, दिल्ली देने। आप सब्सक्राइबर हो, आप मिलने मिलने आए मेरे सब्सक्राइबर, ये सारे सब्सक्राइबर मिलने आए। गाड़ी होगी फुल बैग से, चलो। अच्छा मौसी, चलो फिर मिलते हैं दोबारा, है ना? चलो देखते रहना मेरा चैनल, बाय। चलो बाय 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 बाय।
चलो सबको बाय 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 बना दी और आधी की फोटो पूरी ठीक है चल फंगस बाय बाय हाँ जाना ना।